EMFT, and this is the introduction. Today we will discuss about the introduction of your whole syllabus. In your syllabus there are total 5 units in which we have to cover one by one in your video lectures. So introduction, EMFT, what is the full form of EMFT? Electromagnetic field theory. What is electromagnetic? Electromagnetics is a branch of physics, or we can say electrical engineering. ठीक है, यानी electromagnetic ये जो आपका subject है, इसपे हम क्या discuss करेंगे? Electro and magnetic, जो both हमारा electrical engineering के अंदर आता है आपका, एक electric phenomena और दूसरा कि magnetostatic के phenomena इसके अंदर होंगे. उसके बाद second one thing is electromagnetic and F stands for field and T stands for theory. What is field? Field is a function that specifies a particular quantity. A particular quantity. जैसे आप maths में देखते हैं, f is the function of x. यानी अगर कोई function है और हम उसके bracket में x लिखते हैं, उसका मतलब क्या होता है? कि ये जो function है, वो इस x पर depend करेगा. ठीक है? तो उसी तरह से यहाँ पर ये जो आपकी field है, वो depend करेगी. That specifies a particular quantity. तो यहाँ पर हम ये focus करेंगे कि what is quantity. तो देखिए, अगर आपकी quantity scalar है, तो आपका जो यूनिट का मतलब होता है वन, यानी इसका ये
अपने आप में एक वेक्टर है जिसका हमेशा और हमेशा जो मैग्नीट्यूड होने वाला है वो यूनिट होगा, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो उसी की डायरेक्शन होगी जो भी वेक्टर हमारा अंडर कंसिडरेशन था। जैसे अगर हम वेक्टर ए की बात कर रहे हैं तो सफिक्स में हम क्या लगाते हैं, ए, यानी ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को शो करने के लिए समझ लीजिए कि एक तरह से लगा रहेगा। बी वेक्टर की बात करें तो बी वेक्टर आपका यहाँ पर लगा हुआ है, तो ये अपने आप में इसका कोई मैग्नीट्यूड तो है नहीं, मैग्नीट्यूड सिंगल ही रहेगा, और आपको पता है कि किसी का भी वन से मल्टीप्लाई होता है तो मैग्नीट्यूड तो चेंज होना नहीं है, यानी आपको यहाँ जो मॉड में ए आया हुआ है वो तो चेंज होगा नहीं, और सिर्फ जो ए है आपको वो आपको क्या बताएगा, डायरेक्शन बताएगा, तो इसे कहते हैं यूनिट वेक्टर। तो आपने यूनिट वेक्टर भी देख लिया, इसको इस तरह से शो करते हैं, वेक्टर ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए, इसे बोलते हैं ये जो साइन आपका लगा हुआ है ये है मॉड ए, और ए कैप ये जो साइन है इसे हम ए कैप बोलते हैं, ठीक है। तो अगर यूनिट वेक्टर की बात करें कि यूनिट वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, तो यूनिट वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर हम इसे यहाँ पर अकेला छोड़ दें तो ये क्या है, इसके साथ अगर मल्टीप्लीकेशन में है तो यहाँ नीचे जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, तो इसलिए हम ए कैप को क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर अपॉन मॉड ए। अब हम ये देखेंगे कि वेक्टर, अगर आपको यूनिट वेक्टर की वैल्यू निकालनी है तो उसको किस तरह से निकालते हैं, ठीक है। तो अब ए वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ए, ए ए कैप, यहाँ पर मॉड ए क्या शो कर रहा है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, और ये जो ए ए कैप है वो वेक्टर ए की क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन को, ठीक है। और इसकी वैल्यू हम किस तरह से निकाल सकते हैं, ए ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉड ए, ठीक है। इसके बाद हम ये देख रहे हैं कि अगर कोई वेक्टर है तो हम उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, तो किसी एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका होता है कि वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स, ए एक्स कैप, ए वाई कैप प्लस ए जेड कैप। अब यहाँ पर ये ए एक्स, ए वाई और ए जेड क्या है, ठीक है। तो आप देखते हैं कि अगर हम किसी वेक्टर की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर आपका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो जिस डायरेक्शन में हम जाएंगे उसके कोरिस्पॉन्डिंग उसका एक मैग्नीट्यूड होगा। तो इसलिए अगर हम 3D की बात करें, 3D यानी हम एक्स, एक्स वाई और जेड तीनों एक्सिस की बात करते हैं तो हम उसे 3D कहते हैं। तो सोचिए आप एक्स डायरेक्शन में जाएंगे तो आपका एक्स का मैग्नीट्यूड भी बनेगा और एक्स की डायरेक्शन भी शो करनी पड़ेगी, इन द सेम वे वाई एक्सिस पे हम जाएंगे तो इसका वाई का भी कुछ मैग्नीट्यूड होगा एज वेल एज उसका डायरेक्शन होगा, एंड इन द सेम वे जेड का भी होगा। तो हम इस तरह से एक वेक्टर को जब एक्सपैंड करके लिखेंगे यानी उसकी तीनों डायरेक्शन को कंसिडर करके लिखेंगे तो वो कैसे हो जाता है आपका ए एक्स, ए एक्स का, ए वाई, ए वाई का, ए जेड, ए जेड का, ठीक है। तो ये 2D में हम सिर्फ एक्स और वाई लेकर चलते थे और यहाँ 3D में हम x, y और z तीनों लेकर चलते हैं। तो अगर कोई वेक्टर जिसे हम 3D में कंसीडर कर रहे हैं तो आप इस तरह से देखेंगे, अगर आप 2D में कंसीडर कर रहे हैं तो आपका z का पोर्शन नहीं होगा, आप इसे हाइड कर देंगे, ठीक है। इसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आपके 2D में सिर्फ x और y एक्सिस होती है। उसके बाद अगर हम प्लेन की बात करें, प्लेन, तो अ प्लेन इज अ फ्लैट सरफेस दैट एक्सटेंड इनफाइनाइटली इन ऑल डायरेक्शंस, का क्या मतलब हुआ, ये कार्टेशियन प्लेन या फिर रेक्टेंगुलर प्लेन कहलाता है, ठीक है। प्लेन क्या हो गया आपका कि उसको हम किसी भी डायरेक्शन में इनफाइनाइटली अगर हम एक्सटेंड करते जाएं तो आपको एक फ्लैट सरफेस मिलता है जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक है। ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई, वाई एक्सिस हो गई, और ये आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ हो गए। दिस इज बेस्ड ऑन कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो उसे क्वाड्रेंट में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। तो ये आपके 2D में आता है, लेकिन जब हम 3D की बात करेंगे तो उसे बोर्ड पर बनाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसमें जेड एक्सिस भी होगी तो फिर वो आपका 3D के फॉर्म में यहाँ पर नहीं शो होगा। इसलिए ये जो प्लेन है जो कि हम हमेशा से कंसिडर करते आए जब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते थे तब से लेके, तो ये आपकी एक्स और वाई एक्सिस से मिली हुई एक सरफेस है जिसे हम प्लेन कह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कार्टेशियन प्लेन की, क्योंकि जब आप यूनिट फर्स्ट देखेंगे तो उसमें बेसिकली हम 3 सिस्टम्स की ही बात कर रहे हैं। पहला है आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, दूसरा है आपका सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, और तीसरा है स्फेरिकल। तो इन तीनों में ही जो हमारा बेसिक है वो क्या होगा, कार्टेशियन प्लेन होगा। तो कार्टेशियन प्लेन इज नथिंग बट यही जो आप प्लेन, रेक्टेंगुलर प्लेन आप देखते आ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, उसी प्लेन को हम कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। तो सबसे बेसिक प्लेन जो है हमारा, दैट इज कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन। इट इज डिफाइंड बाई 2 परपेंडिकुलर लाइंस
The x-axis which is horizontal and the y-axis which is vertical. तो ये x-axis और y-axis आपके क्या होती हैं? एक दूसरे के perpendicular होती हैं, ठीक है? और यही आपका इनसे जो form हो रहा है वो आपका क्या कहलाता है? Cartesian plane, ठीक है? तो ये 2D में हो गया, ये 3D में हो गया. अब अगर हम बात करें किसी point की, क्यों? क्योंकि अगर कोई vector है, ठीक है? कोई vector इस तरह से आपको दिख रहा है कि वो x direction में भी उसका magnitude होगा, y में भी होगा और z में भी होगा. अगर हम 3D की बात करें तो कुछ पर्टिकुलर पॉइंट होगा ना. तो जैसे अगर हम पॉइंट की बात करें तो आपका पॉइंट क्या है? पॉइंट बाय विच वी डिस्क्राइब अ पर्टिकुलर लोकेशन ऑन कार्टेशियन प्लेन. यानी ये प्लेन पूरा आपको दिख रहा है, लेकिन अगर हमें कोई पर्टिकुलर लोकेशन लेनी है तो हम उसको किससे शो करेंगे? पॉइंट से. तो सपोज करिए आपने यहाँ पर एक पॉइंट बना दिया, ठीक है? तो 2D में तो आपको समझ में आता है कि सपोज यहाँ पर कुछ पॉइंट है तो आपने इस तरह से हम लोग डॉट डॉट करके बना देते हैं और आपको पता चल जाता है कि हाँ एक्स एक्सिस पे हमने कुछ पोर्शन चले होंगे. सपोज करिए कि ये 1, 2 और ये 3 था और उसी तरह से वाई एक्सिस पे आपने भी कुछ 3 चला. तो यहाँ पर आपका पॉइंट क्या हो जाएगा? 3, 3, ठीक है? पॉइंट को कैसे शो करते हैं? आप पॉइंट को इस तरह से P लिख देते हैं पॉइंट का और 2 ब्रैकेट्स लगा देते हैं और बीच में कॉमा से सेपरेट कर देते हैं. तो अगर आपका 2D है तो 2 ही पॉइंट्स आएंगे, एक एक्स एक्सिस का, एक वाई एक्सिस का. तो जैसे यहाँ आया 3 सेपरेटेड बाय कॉमा एंड 3. अब यही सोचिए अगर 2D होता तो उसमें जेड की डायरेक्शन से भी एक पॉइंट मिलता, ठीक है? तो अगर जेड की डायरेक्शन से भी हमको कोई पॉइंट मिलेगा, सपोज करके उस पर 2 चला, तो आप फिर से कॉमा से सेपरेट करके वहाँ पर 2 लेते हैं, ठीक है? तो इस तरह से हमने अब तक क्या क्या देख लिया कि हम किस तरह से वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं इन ऑल द 3 डायरेक्शन, एक्स वाई, एंड अगर हम 3D की बात कर रहे हैं तो जेड भी होगा ऑफकोर्स हमारे पास, ठीक है? यूनिट वेक्टर ए के बारे में देखा, क्योंकि जब भी आप किसी वेक्टर को शो करते हैं तो वेक्टर को जो रिप्रेजेंट हम करेंगे तो ए वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए एंड ए कैप. तो यहाँ पर मॉड है इसके मैग्नीट्यूड को शो करेगा और ए कैप इसकी रिस्पेक्टिव डायरेक्शन को.